राहुल गांधी जी के समर्थन में लोकतंत्र बचाने NSUI ने किया जल सत्याग्रह। रीवा 30 मार्च भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को संसद से निष्कासित किए जाने के विरोध में व लोकतंत्र बचाने जल सत्याग्रह कर विरोध दर्ज कराया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि देश के अंदर लोगों के स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आजादी को छीने जाने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार पुनः हम सबको इंदौर की याद दिलाई जा रही है जो अंग्रेजों के जमाने में थी कि यह उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता था तो उसको प्रताड़ित किया जाता था, जेल भेज दिया जाता था। भारतीय संविधान में सभी को समान अधिकार दिया गया, साथ ही सरकार का विरोध करने का अधिकार सबको प्राप्त है। लेकिन वर्तमान सरकार से यदि सवाल किए जाए तो वह अपनी का गलत उपयोग कर संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी ने जब से अदानी और मोदी जी के संबंधों के बारे में पूछा था, लगातार सरकार उनके खिलाफ षड्यंत्र कर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन राहुल गांधी बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा कर सरकार ने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए उनको संसद से निष्कासित किया। उनको संसद ने बोलने नहीं दिया। आज राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी आवाज है, उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हम सभी छात्र नौजवान यह समझते हैं कि गांधीवादी तरीके से किसी भी लड़ाई को लड़ा जाना उचित। सरकार अगर इसी प्रकार से करती रही तो आने वाले समय में कोई अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा। आज राहुल गांधी की आवाज को दबाया गया है, कल आम आदमी की आवाज को दबाया जाएगा। अगर हम कॉलेजों में भी आंदोलन करेंगे तो हम पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह दमनकारी नीति बर्दाश्त से बाहर है। NSUI लगातार लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करती रहेगी। जल सत्याग्रह में प्रमुख रूप से TRS कॉलेज NSUI अध्यक्ष पंकज उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष NSUI जिला रवि सुमित सिंह, छात्र नेता मानवेंद्र सिंह, सत्य मिश्रा, शिव मिश्रा, शफी मोल तिवारी, अनुराग सिंह, विमल पटेल, देवेश शुक्ला, अजय सिंह, अर्जुन सेन, रहीश खान, रामू सिंह, आलिम खान, प्रभात सिंह आदि NSUI के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है और मोदी सरकार की तानाशाही सामने आ रही है। जिस प्रकार से विपक्ष को दबाने का काम कर रही है मोदी सरकार, जिस प्रकार से लोकतंत्र को खतरे में लाया जा रहा है, लोकतंत्र हमारे देश में बचा ही नहीं है, उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो भी मोदी सरकार कहना चाहती है कि जो भी जनता की हित की बात करेगा, जो भी बेरोजगारी महंगाई की बात करेगा, जो भी सही बात करेगा, देश का पैसा लेके विजय माल्या, मेहुल चौकसी ये सब भागे हैं, इनके खिलाफ राहुल गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, इनकी मांग कर रहे थे कि इनके ऊपर कार्रवाई हो और पूछ रहे थे कि ये 20 करोड़ रुपए किसने अडानी जी की कंपनी में लगाया है, इसकी जानकारी मांग रहे थे। उनका पहले स्पीकर बंद कर दिया जाता है, फिर किसी पुराने मामले पे उनको सजा दी जाती है 2 साल की, जबकि आप निम्न भी सजा दे सकते थे। 2 साल की सजा सुनाते हैं, उसके बाद आप लोकसभा सदस्यता रद्द कर देते हैं, उसके बाद आप बंगला खाली करने का नोटिस देते हैं। ये आपका रवैया बता रहा है कि आप राहुल गांधी से डरे हुए हो। जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है उससे आप घबराए हुए हो, और निश्चित रूप से इसका असर आपको आगे आने वाले समय में दिखेगा। जिस प्रकार से मोदी सरकार राहुल गांधी जी से डरी हुई है, हमारे लोकतंत्र को खतरे में लाया जा रहा है, इसके लिए आज हम लोग यहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं। NSUI कार्यकर्ता पंकज उपाध्याय, TRS कॉलेज।